नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों, जो रीट के अभ्यर्थी है जिन्होंने अभी रीट का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट लेवल का, एंड उनका रिजल्ट आ चुका था कल, एंड तो जिनके भी 60% है जो रीट के अंदर क्वालिफाई है, उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जो कार्यालय निदेशक है प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर राजस्थान सरकार का, तो उन्होंने जो ये वैकेंसी निकाल दी है जिन्होंने फर्स्ट लेवल का अंदर क्वालिफाई किया है उनके लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आया है अभी कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार बीकानेर की तरफ से। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क राजस्थान जयपुर। तो विषय में इसमें बता रहा है कि राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 अनुसूचित क्षेत्र एवं जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है TSP एरिया एंड नॉन TSP एरिया हेतु लेवल प्रथम के पदों हेतु संलग्न संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों में करवाए जाने बाबत जो कल जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी से रिलेटेड है कि ये जो ये विज्ञप्ति से संबंधित जो जानकारी है तो न्यूज़पेपर के अंदर प्रेस नोट के अंदर रिलीज करने के लिए तो इससे संबंधित विज्ञापन निकाला है। तो फ्रेंड्स, ये सब जगह अभी आ चुका है जो नोटिफिकेशन है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या इसके अंदर। तो ये वैकेंसी है TSP एंड जो नॉन TSP एरिया के लिए रेट वाला अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने रीट क्वालिफाई किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, एंड इसमें जो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे दिनांक 14/4/2018 से स्टार्ट हो जाएंगे इसके फॉर्म, जो दो दिन बाद इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे जो 30 तारीख तक भरे जाएंगे 30 अप्रैल 2018 तक, ठीक है दोस्तों। रात को 12 बजे तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो, 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी जी। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने रीट क्वालिफाई किया है, जिनके 60% है या 60% से ज़्यादा है, एंड जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनके भी जो पिछली बार रीट में क्वालिफाई हुए उनके लिए भी ये फॉर्म भर सकते हो आप। तो इसमें जो फर्स्ट लेवल है जिसमें जनरल सब्जेक्ट है सामान्य शिक्षा से संबंधित है, तो उसके जो पदों की संख्या है 19,819। तो इसके लिए वही आपको BSTC होनी चाहिए, एंड साथ ही में जो आपको रीट क्वालिफाई होना चाहिए RTET क्वालिफाई होना चाहिए, एंड जिसमें न्यूनतम एज है 18 से 40 वर्ष, एंड जिसमें पे मैट्रिक्स लेवल है 10, एंड उसी के अनुसार जो इसमें पारिश्रमिक रहेगा वो रहेगा आपका 23,700 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो ये वैकेंसी आई है, एंड जो इसमें विशेष शिक्षा है जिसने विशेष शिक्षा के अंदर स्पेशल एजुकेशन के अंदर BSTC कर रखी है तो उनकी जो पोस्ट है 678 है, तो वही BSTC के साथ जो RTET क्वालिफाई होना चाहिए इसके अप्लाई करने के लिए, तो इसकी जो पोस्ट है 678 है। एंड इसके बाद जो आप देख सकते हैं ये एज रिएक्शन संबंधित कुछ नियम लिखे हुए हैं, एंड जो एडिटिंग है तो आप एक बार फॉर्म ढंग से भर लीजिएगा, बाद में एडिटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, इससे संबंधित कुछ निर्देश है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप जो SSID के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं 14 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे इसके फॉर्म, एंड उसके बाद जो नॉन TSP एरिया है जो नॉन TSP के अंदर तो आपने देखा होगा जो 19,000 के समथिंग वैकेंसी है 19,819 सामान्य शिक्षा के लिए, एंड विशेष शिक्षा में 678, एंड जो TSP एरिया है जो अनुसूचित क्षेत्र है तो जिसके अंदर आपको पता ही होगा बांसवाड़ा डूंगरपुर एंड उदयपुर साइड का कुछ एरिया लगता है तो उससे संबंधित क्षेत्र है, तो इसके अंदर है सामान्य शिक्षा के 5,431 पोस्ट है, एंड जो विशेष शिक्षा उसके अंदर 72 है, एंड जो वही क्वालिफिकेशन है कि जो BSTC एंड जो RTET को क्वालिफाई होना हो किया हुआ होना चाहिए, एंड जो एज है न्यूनतम 18 वर्ष न्यूनतम है, अधिकतम है 40 वर्ष, एंड जो बाकी कैटेगरीज है उनको छूट है, एंड वो इसमें जो पे मैट्रिक्स लेवल है 10, एंड जो सैलरी है इसके अंदर 23,700 रुपये। तो ये वैकेंसी आई है, तो दोस्तों आपके साथ शेयर करनी थी ये जानकारी छोटी सी। तो आप कल आपको इसकी संबंधित न्यूज़ जो न्यूज़पेपर के अंदर मिल जाएगी, एंड जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपको इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप 14 तारीख से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके जो 60% बने या इसके 60% से ज़्यादा बने और आप इसके अंदर क्वालिफाई हुए रीट के अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड जो फर्स्ट लेवल का रिजल्ट आ चुका है, एंड जो सेकंड लेवल का है तो वो हाई कोर्ट की वजह से अटका हुआ है, तो देखते हैं उसका हाई कोर्ट क्या निर्णय देता है, उसके बाद हम जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शेयर करनी थी आपके साथ जो जानकारी, तो उम्मीद करता है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, एंड पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, आपका कोई भी सवाल या जवाब तो कमेंट करके बता देना, एंड मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, थैंक्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान, गुड नाइट दोस्तों।